आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, इनका नाम वैसे बड़ा ही खतरनाक है, फ्रेडरिक नीश की। नीश की बात करें दोस्तों तो ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज दी दोस्तों जो बाद में बहुत बड़े बड़े लोगों ने पढ़ी, स्टालिन, हिटलर, इन सब ने नीश की साइकोलॉजी, नीश की फिलोसफी को पढ़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेशली जो लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हिस्ट्री में भी इन पे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। तो आज हम इनकी फिलॉसफी को समझेंगे, इन्होंने क्या बोला। वैसे बता दूं दोस्तों, काफी सनकी इंसान थे ये, बाद में तो इनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, ये पागल से हो गए थे। एक इतना बड़ा जीनियस जो सिर्फ 25 साल में, यंगेस्ट टू बिकम अ प्रोफेसर, 25 साल में स्विट्जरलैंड में प्रोफेसर हो गया, लेकिन उसके बावजूद इसको वो रिकॉग्निशन कभी मिला ही नहीं। इसके मरने के बाद रिकॉग्निशन मिला। बता देता हूं दोस्तों, इन्होंने जो किताब लिखी वो नहीं चली, धीमे धीमे ये बिल्कुल आइसोलेट हो गए, एकदम अकेले में जाके ये बुक लिखते थे, और जो भी बुक लिखते थे वो कभी बिकी ही नहीं। शुरू में तो बिल्कुल नहीं बिकी, बाद में तो लोगों ने हाथों हाथ खरीदा। उसके बाद जिस लड़की से प्यार करते थे उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया, परिवार से बिल्कुल साथ नहीं मिला, परिवार को तो ये अपना दुश्मन मानते थे, वैसे बिल्कुल पसंद नहीं था इनको अपना परिवार। ये बोलते थे मैं अपनी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करता हूं और मेरी बहन की आवाज मुझे चुभती है। ठीक है, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था दोस्तों इनका, नर्वस ब्रेकडाउन तक हो गया था जब ये 44 साल के थे, और आखिरी के साल तो बहुत ही ज्यादा दुखद थे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो फिलॉसफी दी है वो हीरोइज्म की है, किस तरीके से अपने आप को संवारा जाए, किस तरीके से इस जंग को जीता जाए, जिंदगी को जीता जाए, और जिंदगी कैसे जीनी है ये फ्रेडरिक नीश बताते हैं। सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी का डिवीजन किस तरीके से है, कौन कौन से तरीके के लोग प्रेजेंट हैं, और उनका इंपैक्ट क्या होता है, जीनियस और आम लोगों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। एंटी क्राइस्ट थे दोस्तों, अरे बाप रे, 18th सेंचुरी में जब क्रिश्चियनिटी का दबदबा था, भारत में भी क्रिश्चियनिटी का दबदबा था, यहां पे भर भर के क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी, तब फ्रेडरिक नीच ने बोला था सब बकवास है, क्राइस्ट को बिल्कुल मत मानो और क्रिश्चियनिज्म को तो बिल्कुल छोड़ दो। देखेंगे वो सारी चीज, एक एक चीज को इस लेक्चर में आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर अच्छा की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप 2020 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है, बहुत ही अच्छे पेन ड्राइव कोर्स हैं यूपीएससी के लिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी, आज ही अवेल करें, सिर्फ और सिर्फ ₹625 प्रति माह से स्टार्ट। तो दोस्तों अगर हम फ्रेडरिक नीच की बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1844 में हुआ था, और सिर्फ 55 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, प्रूशिया में ये जन्मे थे। देखिए दोस्तों, मेरा पूरा जो लेक्चर रहेगा वो इनकी फिलॉसफी पे रहेगा, इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी दिया कि सुपरमैन कैसे बना जाता है, इंसान सुपरमैन कैसे बन सकता है, और इंसान में वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो इसको बिल्कुल अलग करे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्तों, वो सारी चीजें देखेंगे। क्या गजब इन्होंने लिखा है दोस्तों, इन्होंने जो बातें कही है ना, अगर वो एक इंसान अपने असली जीवन में उतार ले तो कमाली हो जाए, लेकिन वो क्यों नहीं उतार पाता है। एक इंसान बहुत बड़ा होने के बावजूद, जीनियस होने के बावजूद, सिर्फ और सिर्फ सतह पे ही क्यों रह जाता है, ऊपर क्यों नहीं उठ पाता, सोसाइटी की वजह से। बात करेंगे हम दोस्तों बहुत अच्छे से, आखिरी तक इस लेक्चर को देखिएगा अगर आपको कुछ सीखना है तो, और पढ़ना तो है ही है, तो आखिरी तक देखिएगा। मैं फटाक से इनकी शॉर्ट बायोग्राफी को खत्म कर देता हूं। इनकी बायोग्राफी में बहुत कुछ हुआ, इनफैक्ट इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी हुई है एको होमोस में, काफी चीजें बताई हैं। ठीक है, वैसे इन्होंने काफी सारी बुक लिखी हैं। तो 15 अक्टूबर 1844 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, प्रूशिया में हुआ था, ठीक है, जर्मनी। तो प्रूशिया में जन्मे थे इनके पिताजी कार्ल लुडविक नीच और इनकी माताजी फ्रांसिस्का नीच। बहुत ही छोटे थे ये, 1839 में जब ये 5 साल के थे तब इनके पिताजी का जन्म हुआ था, तो इनकी जो पूरा पालन पोषण है वो इनकी बहन और इनकी माताजी ने किया था। वैसे अपनी माताजी से अब ऐसा नहीं, अटैचमेंट तो था ही, लेकिन बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे, नहीं करते थे बिल्कुल भी पसंद। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ठीक है ना, तभी तो ये सिर्फ और सिर्फ 25 साल में प्रोफेसर हो गए। ठीक है, वैसे इनका नाम जो है वो उस समय के प्रूशिया के राजा पे रखा गया था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है, और जब ये पैदा हुए थे तो वहां के राजा जो है वो 49 ईयर्स के हो गए थे।
पढ़ाई दोस्तों उसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट प्रिपरेटरी स्कूल से की और कमाल के स्टूडेंट थे, इन्होंने लैटिन ग्रीक हिब्रू सब सीख डाली। उसके बाद इनका इनकी जो फैमिली थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक थी, तो ये शिफ्ट होती नहीं, ठीक है ना, लीप्जिक से नॉमबर्ग, उसके बाद फिर वहीं सेटल, तो ये शिफ्ट होती नहीं। उसके बाद दोस्तों 1864 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन वहां पे गई और वहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और वहां पे इन्होंने फाइलोलॉजी पढ़ी और लिटरेचर लिंग्विस्टिक हिस्ट्री सब पढ़ा। वैसे नीच बोलते हैं कि हिस्ट्री का तो ज्ञान सबको होना चाहिए। आज के जो युवा हैं, जो मॉडर्न मैन है, वो एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते नहीं। अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए तो अंतरात्मा के साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वो चीजें पता नहीं होगी तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि हम इवॉल्व कैसे हुए। और अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंसान इवॉल्व कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था, वैसे तो बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने नीच पे असर डाला, लेकिन आर्थर स्कोपेनहॉर, इन्होंने बहुत ज्यादा असर डाला। इनकी एक किताब थी दोस्तों, द वर्ड एज वेल एंड रिप्रेजेंटेशन, वो जब इन्होंने पढ़ी तो इनकी पूरी साइकी जाग गई। इससे पहले मैंने 3 साइकोलॉजिस्ट के लेक्चर लिए हैं दोस्तों। जी हाँ, साइकोलॉजी पे भी मैंने लेक्चर लिए हैं। सिगमंड फ्रॉइड पे मैंने लेक्चर लिया है, 2 पार्ट है, देख लीजिएगा। कार्ल यंग पे मैंने लेक्चर लिया है, 2 पार्ट है, देख लीजिएगा। अल्फ्रेड एडलर, इन्हीं तीनों को बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। सिगमंड फ्रॉइड को तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है। नीच का बिल्कुल ही अलग मानना था कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये डीप नहीं जाते, ये सतह सतह को खोजते हैं, बिल्कुल डीप जाओ। नीच का ये मानना था कि जो आत्मा है वो इतनी ज्यादा गहरी है कि उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। उसको अगर आप 1000 में भी काट दोगे तब भी वो जीवित रहेगी, वो इतनी बड़ी है, उसका कुछ भी मेजरमेंट है ही नहीं। और उन्होंने बोला था कि जो पुनर्जन्म होता ना, ये असली में होता है, जिस तरीके से जो इस सृष्टि का सृजन है, ये बनेगी बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, बिग बैंग हुआ, बिग क्रंच, फिर बिग बैंग, बिग क्रंच, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। उसी तरीके से सोल का भी साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो पुनर्जन्म में भी ये, रीबर्थ में भी ये बिलीव करते थे, ठीक है ना, ये क्यों करते थे, ये सब चीजें अभी हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि यहां पे ये साइकोलॉजी पढ़ने लगे, फिलोसफी पढ़ने लगे, हिस्ट्री पढ़ने लगे। लेकिन इसी दौरान दोस्तों ये जो किताब इन्होंने पढ़ी, आर्थर स्कोपेनहॉर को इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो ये एंटी क्राइस्ट हो गए। इन्होंने क्रिश्चियनिज्म को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि ये बहुत ही बेकार रिलीजन है, एकदम बकवास है, मुझे बिल्कुल मानना ही नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, अपने हिसाब से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करता है, एक तरीके से ब्रेन ड्रेन करता है। तो अब जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी को मानने से इनकार कर दिया, तो आप समझ ही गए होंगे लास्ट में, मतलब जब 30 साल से ये ज्यादा हुए, ठीक है, क्योंकि इनकी जिंदगी तो बहुत ज्यादा थी नहीं, तो उसके बाद इनको कहीं नौकरी नहीं मिली। क्यों नौकरी नहीं मिली? अरे भैया, सब तो क्रिश्चियन है ना, आप क्रिश्चियनिटी को ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहे और इनका जो आखिरी का जीवन था वो बहुत ही दर्दमय रहा, बहुत ही ज्यादा दुखद रहा, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये 25 साल के थे जब इनको प्रोफेसर बना दिया गया, और यंगेस्ट है, आज तक यंगेस्ट प्रोफेसर है, ठीक है, जिन्होंने बेसल में पढ़ाना शुरू कर दिया, स्विट्जरलैंड में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी समय उन्होंने प्रूशिया की सिटीजनशिप भी त्याग दी और अगले सालों तक ये कहीं के भी नागरिक नहीं रहे, बेसिकली ये स्टेटलेस रहे और स्विट्जरलैंड के एल्प्स में ही ये जाके सेटल हो गए थे। नीच का ये भी मानना है कि भैया अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना है तो अकेले रहो, सॉलिट्यूड, जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने नोट्स बनाए, इन्होंने एसेज लिखे, इन्होंने बहुत सारी किताबें पब्लिश की, द बर्थ ऑफ द ट्रेजेडी और ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन, ये सारी इनकी बहुत ही फेमस किताबों में से एक है, लेकिन एक भी नहीं चली, एक भी नहीं बिकी, ठीक है। शायद इन्होंने जिस तरीके की इमेज अपने बारे में क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से एक भी नहीं बिकी। उसके बाद ये शिफ्ट होते रहे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, और बिल्कुल अकेले, इनके साथ कोई भी नहीं था। कुछ दोस्त थे जिन्होंने आखिरी तक इनका साथ दिया, लेकिन ज्यादातर इनके साथ कोई नहीं था। उसके बाद इनकी सबसे फेमस बुक, जिन्होंने जिसमें यह बताया गया है कि भगवान ही मर चुका है, बियॉन्ड गुड एंड इविल, ये इन्होंने पब्लिश की। उसके बाद इन्होंने द गे साइंस भी पब्लिश की, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, वैसे तो बहुत सारी किताबें पब्लिश की है दोस्तों, लेकिन ये सबसे कुछ फेमस किताबें हैं जो बहुत ज्यादा दिखी। और इसी में ही दोस्तों इन्होंने पता है किसका कंसेप्ट दिया, ओबरमिंच, मतलब सुपरमैन। ये क्या होता है अभी हम देखेंगे जब इनकी फिलॉसफी को देखेंगे।
तो आखिरी साल बहुत अच्छे नहीं रहे दोस्तों। 1889 में इनका एक नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है। इन्होंने एक लड़की थी, ठीक है, उसको 3 बार प्रपोज किया था, जिसका नाम था सोलेमा। उन्होंने बार बार रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बार बार रिजेक्ट कर दिया, तो उसका भी असर पड़ा। ये ओपीएम भी लेने लगे थे, ड्रग्स भी लेने पड़े थे। हालांकि नीच खुद बोलते थे, उन्होंने 4 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दिए थे कि अगर अपनी जिंदगी को संवारना है तो किस तरीके से करना, और उन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसमें 4 प्रिंसिपल में एक ये था कि आपको ड्रिंक नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, बिल्कुल शराब से दूर रहिए, ठीक है। लेकिन खुद भी ओपीएम लेते थे, हालांकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का नहीं है, ठीक है। तो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से बोलते हैं कि इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था 1889 में। साथ में इनको इसी दौरान काफी सारी बीमारियां भी लगने लगी थी, ठीक। तो ये चीज है। अब जिन माता जी से ये बहुत ज्यादा बोलते थे कि मुझे अपनी माता जी बहुत पसंद नहीं है, उन्हीं माता जी ने इनकी काफी ज्यादा केयर भी की आखिरी समय में, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों 25 अगस्त 1900 में इनका देहांत हो जाता है और 55 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन जो ये लिखावट छोड़ गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ सोलोमा को इन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अब हम इनकी फिलॉसफी पे आते हैं, इन्होंने क्या क्या बोला। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एंटी क्राइस्ट थे, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, आप समझ ही रहे हैं। इन्होंने बताया था कि एक इंसान, एक मैन, सुपरमैन कैसे बन सकता है। वो अपनी चेतना को जगा के, अपने कॉन्शियसनेस को जगा के, हालांकि कॉन्शियसनेस तो सिर्फ एक पार्ट है, असली तो आत्मा है, सोल है, उसको लिबरेट कर दो और बन जाओ सुपरमैन। वही कंसेप्ट जो हमारे वेदों में लिखा है, या जो हिंदुइज्म में लिखा है, या जो बुद्धिज्म भी बोलता है, ठीक है, सारे धर्म यही चीज बोलते हैं। स्टालिन, हिटलर, मसोलिनी, इन सबने नीच को पढ़ा, और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नीच को पढ़ते हैं। तभी तो जितने भी, अगर आप ज्यादातर जो सक्सेसफुल मैन है, उन सब ने नीच को पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे आइडियाज दिए हैं। इन्होंने 4 चीजें बताई थी दोस्तों। 4 चीजें क्या बताई थी, अगर आपको सक्सेस होना है तो ये 4 चीजें कर लो। सबसे पहले तो बोला कि जो तुम्हारी एनवी है, ठीक है, इससे घबराओ नहीं। देखिए, जलन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जलन नेचुरल है, इसको ओन करो, अपनी एनवी को ओन करो, इसके इसकी जिम्मेदारी लो। ये जो जलन है, ये कोई, देखिए वहां पे क्या लिखा गया है, क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा गया है कि जलन बिल्कुल भी मत करो। और यही सब चीजों की वजह से शायद क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल दूर हो गए थे कि जलन बिल्कुल भी मत करो, जो भी जलता है वो सही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल ये नेचुरल है, जलन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। जो आपकी जलन है उसको सोचो कि आप उससे क्यों जल रहे हैं। अगर आपको जलन नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एनवी है, किसी से जलन हो रही, तो इसका मतलब आप उसकी तरह बन जाते हैं, यानी कि आपका एम कहीं ना कहीं वो है। तो ये जो एनवी है, ये आपके एम को दिखाता है, इंडिकेशन को दिखाता है, और ये अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा इंसान बनने में मदद करता है। जलो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन बुरा मत करो बस किसी का। दूसरी चीज दोस्तों इन्होंने जो बोली थी, क्रिश्चियन मत होना भैया, डोंट बी अ क्रिश्चियन। अब आप इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर इन्होंने दिया तो बहुत ही खतरनाक बात है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो दोस्तों उसमें कई कई बार, मतलब जैसे जो वहां पे उसमें जो भी है, हालांकि उसमें ऐसी तो कोई, मतलब कोई भी धर्म जो है वो गलत बात तो बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इनका कुछ अलग मानना था। ये बिल्कुल एकदम इनका प्रैक्टिकल व्यू था, ये चाहते थे कि बिल्कुल एक इंसान जो है वो अपने जो भी कमियां उसको ओवरकम करके एकदम बड़ा बन जाए, ठीक है। सारे धर्मों की बात अगर आप देखें दोस्तों, तो वो एक ही चीज कहती है, और अगर इन्होंने एक धर्म पे अटैक किया तो वो सारे धर्मों पे ही अटैक है, क्योंकि ज्यादातर सारे धर्मों की बात एक ही चीज कहती है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने बोला कि सेल्फलेसनेस, प्योरिटी, जो क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि ये गॉडनेस है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे एक इंसान अगर बहुत ही ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि आप सबमिशन कर दो, आप सरेंडर कर दो, आप क्वेश्चन मत करो। और उसको यहां पे बोला जाता है कि आप ओबीडियंट हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो। क्यों? क्योंकि आपने सवाल ही नहीं पूछे। तो एक तरीके से सवाल पूछने की कैपेसिटी को आपको बिल्कुल बंद किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी फिर गलत है, ऐसा तो होना नहीं। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ऊपर कैसे उठेंगे। यहां पे क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि हमेशा माफ कर दो, तो क्रिश्चियनिटी एक तरीके से ये बताती कि बदला मत लो। बदला अगर आप नहीं लेंगे, बदला उस सेंस में मत लीजिएगा कि किसी को मारना है, पीटना है, अगर आप उस सक्सेस की तरफ थ्राइव नहीं लेंगे तो फिर आप आगे पैसे कैसे बढ़ेंगे। तो ये चीज जो है, ये
क्रिश्चियनिटी के जो जो उपदेश हैं, यहां पे इन्होंने इसको क्वेश्चन किया और बोला कि ये चीज बिल्कुल गलत है। एनवी से भी दोस्तों एक बात आया कि एक बात याद आई कि एनवी में एक्चुअली जलन में अक्सर क्या होता है कि उन्होंने बोला था कि जलन दिखाओ, हम लोग अक्सर जलन दिखाते नहीं है। कोई अगर बहुत ही बड़ा इंसान आ रहा है और हम लोग एकदम आराम से, हाँ बहुत अच्छा, मुंह पे तो स्माइल लेकिन अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ दबा के रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जलन दिखा रहे हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों अच्छा यही होता है कि जो फीलिंग्स है वो आप अंदर ही रखिए, किसी के सामने मत एक्सप्रेस करिएगा। ये नीच के व्यूज है, ठीक है ना? तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज इन्होंने कही थी कि भैया शराब से बिल्कुल भी दूर रहो। शराब एक ऐसी चीज है, अगर आप शराब पीते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें आपके जहन में आती है, तो वो एसिड होता है, बॉडी एसिडिक हो जाती है और ऐसी ऐसी चीजें जहन में आती जाती है जो बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। ये आपको ऊपर बढ़ने से रोकती है, ये आपको इवॉल्व करने से रोकती है। अगर आपको मैन से सुपरमैन बनना है तो शराब को तो छोड़ दो। चौथी चीज उन्होंने बोला कि गॉड इज डेड, भगवान मर गया है, भगवान है ही नहीं। नेचर पे हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था कि नेचर ही भगवान है, तो भगवान मर गया है, तो अगर भगवान, इफ गॉड इज डेड, तो यानी कि रिलीजियस, रिलीजन का फिर क्या मतलब है? इन्होंने बोला था कि जो रिलीजन होता है वो इंसान की प्रॉब्लम्स जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उससे उबरने में बहुत मदद करता है। जब इंसान का दुख बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपने देखा होगा ज्यादातर लोग रिलीजियस हो जाते हैं और उनको बहुत फायदा भी मिलता है, तो उस हिसाब से तो रिलीजन अच्छा है। लेकिन भगवान की डेथ हो चुकी है, तो अगर भगवान की डेथ हो चुकी है तो कल्चर, आर्ट, ये सारी जो चीजें हैं ये इस वॉइड को फिल करेंगी, ठीक है? भगवान की जगह ये कल्चर आर्ट ले आओ, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इन्होंने सोसाइटी का डिवीजन किस तरीके से किया था, इन्होंने वैसे क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा हार्मफुल बोला था, वेस्टर्न फिलॉसफी है दोस्तों, वेस्टर्न फिलॉसफी को बिल्कुल ही नकार दिया था, किसी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हर कोई बर्बाद हो चुका है। और ये वेस्टर्न क्या करते हैं, कोई इंसान अगर बहुत ही ऊपर, बहुत ही उसकी हायर थिंकिंग है तो वो उसको अपने लेवल पे लेके आएंगे, वो बोलेंगे हम बहुत अच्छे हैं तुम बहुत खराब हो, तो इसी से फिर सोसाइटी का डिवीजन होता है। तो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उन्होंने दो तरह के लोगों की बात की थी। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो सोसाइटी है ये दो में डिवाइड है, एक होते हैं, लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको ही बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, किस तरीके से इंसान सही काम करे, ठीक है? तो ये जो सोसाइटी है ये आप लिख भी सकते हैं, ये दो में डिवाइड है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले होते हैं जीनियस। अब ये जीनियस भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिएटिव जीनियस, जैसे बिथोवन, ठीक है, जैसे आपके जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स आप देख रहे हैं, जैसे लियोनार्डो डाविंची, ये सब क्रिएटिव जीनियस है, ये म्यूजिक से, आर्ट से सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये हायर बींग्स होते हैं, ये जो जीनियस होते हैं ये हायर बींग्स होते हैं। अब हायर बींग्स के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव जीनियस हो। इन्होंने बोला कि जो वैल्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को आप री इवैल्यूएट करिए, अपनी वैल्यूज कभी भी मत गिरने दीजिए। उसके बाद दूसरे होते हैं हिडन जीनियस, हिडन जीनियस जो आपके सामने नहीं दिखेंगे लेकिन वो काम करने लगते हैं, जो जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं, डिप्लोमैट होते हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये भले ही आपके सामने नहीं दिखेंगे, ये रहेंगे बिल्कुल पर्दे के पीछे लेकिन ये सोसाइटी के लिए काम करेंगे, इनकी वैल्यूज बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना? तो ये चीज बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, ये माइनॉरिटी में होते हैं। दूसरा सेक्शन क्या है? अब दिल टूटने वाला है, हर्ड, भीड़। ये कौन होते हैं? हर्ड भी दो में डिवाइड है, ठीक है, एक होता है लास्ट मैन, एक होता है आपके स्लेव्स। तो अब हर्ड, भीड़, ये मेजॉरिटी है। लास्ट मैन क्या होता है? लास्ट मैन वो होते हैं जो अपनी कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपनी कंफर्ट से समझौता नहीं करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, कंफर्टेबल लाइफ है तो वही जिएंगे। लास्ट मैन बिल्कुल भी ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते हैं और एक तरीके से ये मीडियोकर होते हैं, मीडियम होते हैं, ये बिल्कुल, इनमें ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हाई वैल्यूज हैं ये नहीं होती है, जिसकी वजह से वही रह जाते हैं जहां पे होता है, जहां पे चीजें होती है। और ये जो एटीट्यूड है इनको बहुत ज्यादा लेजी बना देता है, कुछ करने की चाहत इनमें मर जाती है और जो चीज ये करते रहते हैं वही करते रहते हैं, उससे कभी भी बाहर नहीं निकलते। कुछ बड़ा बनना है तो उससे समझौता कर लेंगे। दूसरे होते हैं बहुत ही खतरनाक स्लेव्स, ये क्या होते हैं? जिन्होंने पूरी तरीके से हार मान ली है, अपने हालातों के सामने झुक गए हैं दोस्तों। और ये जो स्लेव्स होते हैं ये बहुत ही एक तरीके से लूजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये खुद सक्सेस नहीं होंगे, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे,
और उसके बाद एक एनवी डेवलप हो जाती है, ठीक है, और एक एनवी डेवलप हो जाती है, इतनी खतरनाक जलन डेवलप हो जाती है, ये बोलते हैं कि अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं करेगा, अगर मैंने ये चीज नहीं ली है, और ये बोलते हैं गुस्से में कि पूरी दुनिया, मे द होल वर्ल्ड पेरिश, ये सब कुछ नीच ने बोला है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए और ये कभी भी ऊपर उठेंगे ही नहीं, ये सबसे निचले पायदान पे होते हैं और इनमें इतनी बार ये फेल हो चुके होते हैं कि उठते ही नहीं है। सोसाइटी का भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन सोसाइटी यही दोनों तो बनाते हैं, लास्ट मैन और स्लेव्स, और उसकी वजह से ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, और ये स्लेव्स और लास्ट मैन क्या करते हैं, स्पेशली स्लेव्स, ये ग्रुप बना लेते हैं जिसको बोला जाता है हर्ड। तो इन्हीं लास्ट मैन और स्लेव्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, हर्ड, भीड़, ये एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये एक ग्रुप बना के क्या करते हैं, एक अपनी मोरालिटी बना लेते हैं, एक अपना अपनी थिंकिंग बना लेते हैं जिसको बोला जाता है हर्ड मोरालिटी। और हर्ड मोरालिटी को लिख लीजिएगा दोस्तों, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, डेंजर ऑफ डेंजर्स बोला है नीच ने, ये सबसे बड़ा खतरा है हर्ड मोरालिटी। तो हम देख रहे हैं ना कि ये जो हर्ड है, ये लास्ट मैन और स्लेव्स में जो डिवाइड है, ये सबसे बड़ा, द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल। क्यों मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, बहुत बड़े जीनियस को ये उठने नहीं देते, ये मोरालिटी, ये एक ऐसी फिलॉसफी डेवलप करते हैं जो जीनियसेस पे भारी पड़ती है, ये ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं क्योंकि ये ग्रुप में रहने लगते हैं, उसके बाद ये अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं, और अगर कोई भी जीनियस आता है वो बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये अपनी मोरालिटी इनके ऊपर थोपेंगे। ये किसी भी जीनियस को, जो भी एक हायर इंडिविजुअल होता है, उसको अपना सपना पूरा करने से रोक देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि अपना सपना पूरा करो, बल्कि ये अपनी मेंटालिटी इनके ऊपर थोपते हैं, ये जीनियसेस को अपने लेवल पे लेके आते हैं, बहुत ही निचले लेवल पे लेके आते हैं, और उसके बाद इनको कोसना शुरू करते हैं, और ये तब तक अपनी फिलॉसफी बताते रहते हैं जो कि बिल्कुल इमोरल है, खतरनाक है, जब तक ये जीनियस भी हर्ड में ना आ पाए, तो ये इतना खतरनाक है। आपने अक्सर देखा होगा भैया कि अगर आपको कुछ भी करने का मन है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने का मन है, अगर आप अपने मन से कोई चीज करते हैं, तो इनफैक्ट आप सोसाइटी जो छोड़िए, सबसे पहले तो रिश्तेदार सामने आ जाएं कि क्या कर पाएगा ये। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई, देखिए कोई अगर बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी डिमोटिवेट करता है, तो वो खुद लाइफ से बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, वो खुद लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाया है, इसीलिए वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे, और अगर ऐसे लोगों के साथ आप हैं, तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। ये नीच ने बोला था, नीच ने बोला था कि लास्ट मैन और स्लेव से बिल्कुल बच के रहें। तो अब इसका क्या, इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों, अपनी वैल्यूज को गिरने ना दें, अपने आप को हमेशा एक हाई मॉरल ग्राउंड पे रखें, अपने आप को तर्कों से जस्टिफाई करें, आपकी वैल्यूज कभी भी नहीं कम हो, अपने आप इवॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेटली इसमें आपको बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। अब अध्ययन के लिए इन्होंने बोला था कि बिल्कुल आप एकांत में चले जाए, जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपनी आत्मा की गहराइयों को खंगोलेंगे और वहां से बड़े बड़े आइडियाज निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ही है, ये चीज है, तो आपको अकेले रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब तक आप भीड़ में रहेंगे, जब तक आप हर्ड मोरालिटी का हिस्सा रहेंगे, तब तक ये सारे लोग आपके ऊपर अपने व्यूज थोपेंगे, जो कि लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये जो व्यूज आपके ऊपर थोकेंगे, तो आप इन्हीं की तरह हो जाएंगे। इसकी वजह से आप बिल्कुल अलग हो जाइए, जो इनके फालतू चीजें हैं, पिटी कंसर्न है कि ये नहीं चीज हो रही है, छोटी छोटी चीजों पे जो परेशान हो रहे हैं, इससे आप बिल्कुल अलग हो जाइए। इनके आइडियाज अपने ऊपर मत आने दीजिए, अकेले रहिए, सॉलिट्यूड में रहिए, और उसके बाद फिर देखिए कमाल हो जाता है। सॉलिट्यूड में ये नहीं कि बैठ के सोते रहें, हमेशा क्वेश्चन करते रहिए, अंदर झांकिए कि क्या हो सकता है। तो ये कंक्लूजन था दोस्तों, एक तरीके से कि नीच की फिलॉसफी क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी क्या था, विदाउट एनी वैल्यूज नाइलिज्म विल बी ओवर द वर्ल्ड। अगर इस दुनिया में वैल्यू नहीं रहेगी और हायर इंडिविजुअल्स
इन्होंने बताया कि इन्हीं हायर इंडिविजुअल्स की वजह से, इन्हीं बहुत बड़े महात्माओं की वजह से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को बदल दिया है दोस्तों, इन्हीं की वजह से आज दुनिया चल रही है, वरना ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर ये हायर इंडिविजुअल जो है वो नहीं रहेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज जो है वो करते रहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक एनिमल मेंटेलिटी की भी बात की थी दोस्तों, अब ये देख लीजिए, ठीक है, ये हर्ड वैल्यूज है ही। तो इन्होंने एक एनिमल मेंटेलिटी की भी बात की थी कि हर एक इंसान में, देखिए हर एक इंसान एक एनिमल ही है, क्योंकि हम जानवर से इन्वॉल्व हैं, हम एप से इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। ऐसा है कि एप बना ह्यूमन, ठीक है, क्या थी ये, पोंजिडे, तो पोंजिडे क्लास बनी होमिनिडे, ह्यूमन। अब ह्यूमन के बाद आएंगे सुपर ह्यूमन, ठीक है, सुपर ह्यूमन जिनकी बहुत हायर वैल्यूज होगी, ऊबरमिंच जो हमने बताया था। लेकिन इसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। अक्सर हम लोग सरफेस पे ही रहते हैं, सतह पे ही रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि अभी हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, सब कुछ अच्छा है, तो यही हम हायर ह्यूमन बींग्स है, हम कुछ नहीं है, हमने 0.1% भी नहीं खोजा है। जितना ज्यादा आप डीप जाते जाएंगे उतना ज्यादा आप इवॉल्व होते जाएंगे। तो यहां पे चाहे जितना भी सिविलाइज्ड इंसान हो, हमेशा उसमें एक जानवर होगा ही होगा। अब ये जानवर कैसे आता है सामने, ठीक है, जो आपकी लस्ट है, जो सेक्सुअल एग्रेशन है, जो आपका गुस्सा है, इनमें हमेशा जब भी ये बाहर आएगा तो आपका असली जानवर बाहर आ ही जाता है। तो ये इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला था कि यही एनर्जी एक अच्छी चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, हायर इंडिविजुअल अपने आप को सुपरमैन बनाने के लिए भी यही एनर्जी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन यही एनर्जी डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इसको डिस्ट्रक्शन के लिए ना इस्तेमाल करके हम इसको अपने हिसाब से ऊपर बनने की कोशिश करें, तो ये चीज है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें इन्होंने दोस्तों और भी बोली थी, इन्होंने ये भी बोला था कि एंशियंट हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारे जो पूर्वज हैं, देखिए हमारा जो दिमाग है वो इवॉल्व हो रहा है, और जो मेमोरीज है वो स्टोर होती जा रही है, और हमारे वो कॉन्शियसनेस में, ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती जाती है। तो अगर हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर है और वो कहीं ना कहीं सामने आई जाती है, इसमें हमारे पूर्वज, ये हजारों करोड़ों सालों की हिस्ट्री है, क्योंकि भैया हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना, ठीक है, जैसे एक जनरेशन है, दादाजी आए, फिर पिताजी आए, तो वो जीन्स है, जो जीन्स हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते जाते हैं, और वो उसमें भी मेमोरीज होती हैं। तो यानी कि हमारी पूरी याददाश्त करोड़ों करोड़ों साल की हमारे अंदर ही छुपी होती है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसी को ही उन्होंने बोला ऑर्गेनाइज्ड आइडिया। ऑर्गेनाइज्ड आइडिया का इन्होंने कंसेप्ट दिया है दोस्तों। ऑर्गेनाइज्ड आइडिया वो चीज है जो आपके अंदर ही है। इससे पहले एक और चीज जान लो, इन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस पे कम भरोसा करिए, चेतना पे कम भरोसा करिए, कॉन्शियस, बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कॉन्शियसनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, चाहे वो अल्फ्रेड एडलर हो, अब उन पे पूरा मेरा एक लेक्चर आप देख लीजिएगा, सिगमंड फ्रॉइड पे, यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, इन्होंने इसको बोला कि कॉन्शियसनेस से ज्यादा आप अपनी आत्मा पे ध्यान दीजिए, आप हायर, अगर आपको हायर इंडिविजुअल बनना है तो यू हैव टू बी, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला था स्पिरिचुअल, स्पिरिट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपनी सोल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तब आप हायर इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो कॉन्शियसनेस से ज्यादा आप इसको खंगालिए, सोचिए, रिवैल्यूएट करिए, मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा एक टूल होता है। तो ये चीज है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड आइडिया है ये हमारे बहुत ही अंदर होता है, और ये समय के साथ साथ डेवलप होने लगता है। अब बहुत जल्दी भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अब ये धीमे धीमे डेवलप होता है। तभी आपने देखा होगा दोस्तों कि जब इंसान 50-60 साल का होता है तो एकदम से उसमें मैच्योरिटी, हालांकि जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत ही उम्र हो जाए तब भी उसकी मैच्योरिटी आ जाए, बहुत लोग ऐसे जो जिंदगी भर इमेच्योर रहते हैं, इलॉजिकल रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑर्गेनाइज्ड आइडिया आपको इवॉल्व करने में मदद करता है, ये धीमे धीमे डेवलप होता है। और लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग धार्मिक हो जाते हैं, वो अपने आप को हायर इंडिविजुअल्स बनाने की कोशिश करते हैं, लोग सत्संग में जाएंगे, लोग पूजा पाठ में विलीन हो जाएंगे, वो एक माध्यम है बेसिकली दोस्तों कि आप अपनी आत्मा को इवॉल्व कर ले, लिबरेट कर ले, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड आइडिया की वजह से है जो डीप डाउन आपके अंदर ही और जो डेवलप होता रहता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और चीज बोली थी, तीन स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने चाह रहा हूं। सबसे पहली तो होता है, एक इंसान पैदा होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक पोश्चर होता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है कैमल, सबसे पहली स्टेज कैमल। अब यहां पे हम बात करते हैं ड्रैगन, ड्रैगन कौन होता है, ड्रैगन वो होता है, ड्रैगन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है दोस्तों चाइना में, इनफैक्ट सांप का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है।
हर धर्म में आपको सांप मिलेगा। सांप एनर्जी को, आत्मा को डिनोट करता है। हिंदुइज्म में भी सांप आपको मिलता है ना, गले में लटका रहता है। क्रिश्चियनिटी भगवान शंकर के गले में, क्रिश्चियनिटी भी आत्मा को, सांप को डिनोट करती है। ड्रैगन भी सांप ही है, बस उसके विंग्स हैं, आप देखेंगे वो रेप्टाइल ही है। तो ड्रैगन क्या है? ड्रैगन वो है जो आपकी आत्मा को कंट्रोल करता है। जब आपने इस धरती पर जन्म लिया तो ड्रैगन आपके सामने आता है, वो कंट्रोलिंग पावर आपके सामने आती है। उसके बाद आपको वो गाइड करती है, वो आपको गाइड करती है, और वो बोलती है कि मेरे जो पूरी बॉडी है उस पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसको लो और अपना काम आगे पढ़ो करो। तो पहली स्टेज यहां पे डेवलप होती है, ठीक है। आत्मा ड्रैगन से सीखती है, ड्रैगन वो कंट्रोलिंग पावर है, और आत्मा यहां से सीखेगी। और फिर जब वो शरीर में जाएगी, उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो शरीर में जाती है तो इंसान की चेतना जग जाती है। तो इंसान सबसे पहले बनता है ऊंट, कैमल। हर किसी का भार उठाता रहेगा, जिम्मेदारियां लेता रहेगा, अपने सपनों को छोड़ देगा, लेकिन दूसरों के लिए जीता रहेगा। एक जीनियस भी यहां पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऊंट बिल्कुल शांत होते हुए भी चलता रहता है। क्यों? क्योंकि यही उसकी फितरत है। तो ऊंट चलता रहेगा और अपने आप में ये प्राइड भी महसूस करता है, और ये इसको आप अपने आप से जोड़ के देखिएगा दोस्तों, ये घमंड में भी रहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों का जो पालन है बहुत ही अच्छे से किया, ठीक है, मुझे इसका फल मिलेगा। लेकिन एक टाइम पे ये कैमल हो जाता है, त्रस्त, ये एक तरीके का स्लेव हो जाता है कि कब तक मैं दूसरों का भार लेता रहूंगा। दूसरी स्टेज होती है लॉयन, शेर। लॉयन एक अगला स्टेज होती है जिससे इंसान, मतलब जो दूसरी स्टेज पे इवॉल्व होगा वो शेर होगा। शेर ये इसका एवोल्यूशन है, ये विकसित हो गया। शेर में हायर क्वालिटीज होती है, हायर वैल्यूज होती हैं, और तीसरा सबसे हायर इंडिविजुअल, एक तरीके से अपनी आत्मा को लिबरेट कर देना, ये होता है एक बेबी का रूप। यानी कि आपको पुनर्जीवन लेने के लिए दोबारा आपको बच्चा बनना पड़ेगा, सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अब इस शेर को इस ड्रैगन से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी शेर को इस ड्रैगन से कि तुमने मुझे ये जीवन दिया है, मेरी आत्मा ने तुमसे सीखा, लेकिन अब मेरी आत्मा लिबरेट होना चाह रही है। तो उसके बाद जब आप यहां पे पहुंच जाएंगे तब आपकी वैल्यूज बहुत ऊपर चली जाएंगी, और फिर आपको मोक्ष या आपकी आत्मा लिबरेट हो जाएगी। इनडायरेक्टली अगर आप देख रहे हैं तो ये मोक्ष के ही और ब्राह्मण के ही कंसेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन नीच बोलते हैं कि बहुत लोग कैमल तक नहीं बन पाते, ठीक है, तो बाकी तो दूर की ही बात है। तो ये चीज है। तो आई होप ये लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी और है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये इनकी प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी का मैंने आपको कंक्लूजन बताया है। एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा, नीच को हर कोई पागल बोलता था, ठीक है, और बोलता था कि इसकी जो राइटिंग है ये खुद तो पागल है और हमको भी पागल बना रहा है। इसको ये पागल इंसान अपनी राइटिंग से पूरी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को तो ये बदल नहीं पाया, दूसरे के जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा इस पे नीच ने क्या बोला था। अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं, अगर आप किसी को एडवाइस देंगे और अगर आप शायद वो चीज नहीं अचीव कर पाए हैं कि तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमको बोल रहे हो। नीच ने पता क्या बोला था? नीच ने बोला था कि अगर आप बेड़ियों में बंद हैं और उस बेड़ी में लगा है ताला, जंजीर में ताला लगा, तो अगर मेरी चा आपकी जंजीर की चाबी, आपकी ताले की चाबी अगर मेरे पास है और मेरे ताले की चाबी किसी के पास नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हो सकता है आप जिस बेड़ियों में बंधे हों उसकी चाबी मेरे पास हो, सिंपल सी बात है। तो यहां पे इस तरीके से सवाल उठने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जबरदस्त हाजिर जवाबी थी नीश की। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बड़ा लेक्चर है, मैंने सब कुछ कवर किया है, बहुत कुछ सीखा होगा, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम जो होते हैं, स्पेशली इग्नू के या यूनिवर्सिटीज के, या अंडर ग्रेजुएट भी जो एग्जाम्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी बहुत काम आता है। उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी ऑफ नीश, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।